हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है 2q² - 5q + 3 = 0। तो दोस्तों, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उनमें हमें क्या करना होता है, जो बीच वाला होता है उसको इस हिसाब से तोड़ना है कि अगर उसको प्लस माइनस किया जाए तो ये बीच वाले के बराबर आ जाए, और अगर उन दोनों वर्ड को हम मल्टीप्लाई किया जाए तो जो साइड वाले फर्स्ट और थर्ड वाले का मल्टीप्लाई का वैल्यू आ रहा है उसके बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई, फर्स्ट में 2 है, थर्ड में 3 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो हमें 5 को इस हिसाब से तोड़ना है के उसके जो दोनों भाग होंगे उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आ जाए। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन जाती है, एक तो हम यहाँ पे -6 + 1 में तोड़ सकते हैं। -6 + 1 कितने के बराबर होता है, -5 के बराबर होता है, और -6 × 1 करोगे तो वो 6 ही आ जाता है उसका आंसर। लेकिन वो जो 6 आता है वो माइनस का आता है, बट हमारा यहाँ पे अगर फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस का 6 आ रहा है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो हम इसमें नहीं तोड़ेंगे इसको, हम क्या तोड़ेंगे, हम ऐसे में तोड़ेंगे जो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस तभी आएगा या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे। तो यहाँ पर दोनों अगर प्लस के ले लेंगे तो जो बीच वाला है -5 है वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, हमें तो माइनस का 5 चाहिए बीच में। तो हम यहाँ पे दोनों माइनस के ले लेते हैं, दोनों माइनस के हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस करोगे दोनों को तो मतलब दोनों को माइनस 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 को माइनस करेंगे तो वो प्लस ही होएगा, लेकिन जो सिंबल है वो माइनस का रह जाएगा। तो यहाँ पे हम 2q² - 2q - 3q में तोड़ देते हैं, -2q - 3q। अब इसमें देखिए, इनको दोनों को प्लस करोगे माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा जी, और माइनस का सिंबल रह जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का कट हो जाएगा और ये प्लस का 6 आ जाएगा, और +3 ऊपर से हम ऐसे ले लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट दो आए 2q² - 2q हुए, इनमें से कॉमन निकालते हैं, इनमें से 2q कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, अंदर 2q² था पहले, उसकी जगह पे क्यू बच गया, और -2q था उसकी जगह पे 2q, तो -2q तो हमने बाहर ही निकाल लिया, बस -1 बच गया अंदर। अभी नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ जो यहाँ पे वैल्यू है उसमें से कॉमन निकालते हैं, तो उनमें से हम यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन 3 हम माइनस का निकालते हैं, क्योंकि हमें अंदर q - 1 चाहिए। अगर हम प्लस का निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर -q + 1 आ जाएगा जो कि उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे -3 बाहर निकालते हैं। अभी इन ये दो फिगर बन गई, ये बीच में हम माइनस देख रहे हैं, माइनस के इस साइड फिगर है, इस साइड फिगर है, तो इनमें से कॉमन निकालना होता है। तो आप देख सकते q - 1 दोनों साइड में कॉमन है, तो हम यहाँ पर q - 1 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है दोस्तों, इसका q - 1 निकाले तो अंदर बचा 2q लिख लिया हमने, और इसका निकाले तो अंदर बचा -3, तो -3 यहाँ पे लिख लेते हैं = 0। तो दोस्तों, ये दोनों आप देख सकते हो, एक फिगर ये आ गई, ये आ गई, ये मल्टीप्लाई में आपस में ब्रैकेट के अंदर है, तो इससे क्या मतलब है दोस्तों, = 0 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि या तो ये फिगर 0 के बराबर है या फिर ये फिगर 0 के बराबर है, क्योंकि कितनी भी कोई भी वैल्यू हो अगर आप उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आंसर 0 आ जाता है, बराबर 0 आ जाती है। तो हमें या तो ये वैल्यू 0 के बराबर है या फिर ये वैल्यू 0 के बराबर है, तभी तो ये बराबर 0 के है। तो हम इसको क्या करते हैं, q - 1 को इधर बराबर 0 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2q - 3 को बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेते हैं, और यहाँ से हम क्यों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।